नमस्कार हिमाचल अभी तक में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। हिमाचल में कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने के बाद एक बार फिर से जो है आसमान पर बादल छा चुके हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले एक सप्ताह तक बारिश का दौर बना रहेगा और कई स्थान पर गर्ज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं, यानी बारिश हो सकती है। अगर बात करें पांवटा साहिब और नाहन की तो यहाँ भी सुबह से बादल छाए हुए हैं और दिन भर बारिश की संभावना है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें हैं और इस समय स्क्रीन पर ये भी आप देख सकते हैं कि इस तरह का मौसम जो है पांवटा साहिब और नाहन में है और ये जो नज़ारा है लोगों को काफ़ी लुभा भी रहा है। और पहली तस्वीर पांवटा साहिब की है और दूसरी तस्वीर नाहन से है जहां सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और वहीं आगामी एक सप्ताह की बात करें तो मौसम खराब रहने के पूरे आसार हैं। चेतावनी के बीच बागवानों और किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें अब खिंच चुकी हैं क्योंकि इस मौसम में अब जो है ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती है। बारिश से फसलों को नुकसान होने की पूरी जो है ये खतरा बना रहता है और इसलिए जो है किसान है, बागवान है, वो अब काफ़ी चिंता में हैं। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं पांवटा साहिब और नाहन के, इसके अलावा तमाम जो ज़िले हैं अधिकतर ज़िलों में इसी तरह का मौसम बना हुआ है और एक बार फिर से जो है मौसम खराब होने के कगार पर पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने इस बारे में पहले भी कहा था और एक बार फिर से ये चेतावनी दी है कि आज से लेकर अगले एक सप्ताह तक इसी तरह का मौसम बना रह सकता है। मनमोहन सिंह हिमाचल डायरेक्टर मौसम विभाग जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। मनमोहन जी, मौसम विभाग पहले भी चेतावनी दे चुका था, अब भी आपने कहा है और क्या कुछ जो है मौसम विभाग इस मौसम को लेकर देखता है? हाँ, अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में आज और कल बारिश हो सकती है। आज भी कुछ एक जगह बारिश हो रही है, शिमला में भी आज मॉर्निंग में हल्की बारिश हुई थी और कुछ एक जगह पे हेलस्टॉर्म हो सकता है। जो डिस्ट्रिक्ट मंडी, शिमला, सोलन और जो आसपास के इलाके हैं उसमें हेलस्टॉर्म की पॉसिबिलिटी है। ये जो मौसम आज और कल ऐसा रहेगा, उसके बाद परसों को मौसम जो ऑलमोस्ट ठीक है और उसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करेगी जिससे 18 और 19 तारीख से दोबारा से हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी। ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं? नहीं, हैवी बारिश नहीं होगी, लाइट टू मॉडरेट बारिश रहेगी और स्कैटर प्लेसेस पे रहेगी जी। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या किसानों को या किसी तरह के जो बागवान है उनको खतरा हो सकता है क्योंकि आप कह रहे हैं कि हल्की बारिश है, इतना नुकसान नहीं हो सकता है? हाँ, अभी जैसे जो बारिश हो रही है, हेलस्टॉर्म जैसे होता है तो आजकल जो एप्पल की क्रॉप है उसमें फ्लावरिंग स्टेज चल रही है, उससे जो किसानों को थोड़ा नुकसान हो सकता है जो एप्पल वाले हैं। और जहाँ पे जैसे हिमाचल प्रदेश के जो निचले इलाके हैं जहाँ पे जो रबी की क्रॉप है, गेहूं की क्रॉप ऑलरेडी मेच्योर हो चुकी है, उसको थोड़ा मतलब नुकसान हो सकता है। बाकी जो मिडिल वाले इलाके हैं वहाँ पे ज्यादा इसको खतरा। मनमोहन जी, अंत में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पूरे हिमाचल प्रदेश में इस तरह का मौसम रहने वाला है? हाँ, हिमाचल प्रदेश में काफी जगह पे जो है वो ऊपर के जो इलाके हैं मिडिल वाले, लोएस्ट वाले हैं, इसमें स्कैटर प्लेसेस से बारिश हो सकती है। और शुक्रिया मनमोहन सिंह, तमाम जो आपने जानकारी दी है मौसम को लेकर और आने वाले 2 से 3 दिनों तक ये जो बारिश है वो हल्की बारिश रह सकती है लेकिन किसानों के लिए चिंता का विषय ज़रूर है। जैसा कि मनमोहन सिंह जो कि एक्सपर्ट थे मौसम को लेकर, उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि पांवटा साहिब, नाहन की तरह हर ज़िले में जो है इसी तरह का मौसम बना रह सकता है, ओलावृष्टि भी हो सकती है।